हेलो एवरीवन, कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से बहुत ही बड़ी तीन अपडेट्स हैं सभी के लिए। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कनाडा में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप वर्क परमिट के ऊपर हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या उसमें हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है, पहले भी दी थी, अब उस स्टेटमेंट के मायने क्या है। अगर आप कनाडा ऑलरेडी विजिटर वीजा के ऊपर आ गए हो या टूरिस्ट वीजा के ऊपर आने वाले दिनों में आने वाले हो, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये वर्क परमिट बंद होने की अपडेट आई है, उसमें कितनी सच्चाई है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो नंबर यहां पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहली अपडेट है जी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और वर्क परमिट वालों के लिए। रिसेंटली IRCC की जो एक लोकल बॉडी है, उसने अनाउंसमेंट की है कि आने वाले दिनों में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो लोग एज ए टेम्परेरी फॉरेन वर्कर इंडिया से जो LMI के ऊपर आए हैं, किसी भी कंट्री से आए हैं, कि वो जेन्युइन है, उनको LMI जेन्युइन दी गई है या उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो रिसेंटली जो लास्ट ईयर में इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें 8,000 प्लस उनको टिप मिले थे कि इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, आप केस को वेरिफिकेशन करें। 12 से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को ऑलरेडी उन्होंने बैन कर दिया है, बट आने वाले दिनों में उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर वो जा सकती है, कनाडा की जो बॉडी है, और वहाँ पर बताए बिना भी जा सकती है और बता के भी जा सकती है और कुछ भी पूछ सकती है एम्प्लॉयर से, आपके सुपरवाइजर से और आपसे। तो आने वाले दिनों में अपने डॉक्यूमेंटेशन या चीज़ों को मेंटेन रखना और वहाँ पर अपनी जो भी चीज़ें आपसे अगर पूछती है तो अच्छे से चीज़ें आप बताओगे तो आपका फ़ायदा होगा। बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में हो सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली एक और स्टेटमेंट दी है कि आने वाले दिनों में हमें फॉरेन वर्कर की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विद इन कनाडा बड़े नंबर्स में स्टूडेंट फॉरेन वर्कर यहाँ पर हैं। कितने स्टूडेंट, $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद है। अगर हम उन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे तो कनाडा में जो लोग बैठे हैं उनका फ्यूचर ब्राइट होगा और हमारी जो लेबर की शॉर्टेज है वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लेबर की शॉर्टेज है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो गया, मेडिकल हो गया। और उन्होंने ये भी किया कि इस चीज़ को देखते हुए, जैसे पहले अनाउंसमेंट आई थी उसको ही दोबारा उन्होंने बताया कि दैट जो लेबर की शॉर्टेज है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में वर्क परमिट इशू किए जाएंगे, उसको देखते ही स्टूडेंट के किन कोर्सेज में वर्क परमिट देनी है ना। पहले क्या होता था कि 2 साल की स्टडी आप ले लेते थे और उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट आपको मिलता ही था, बट अब कनाडा आने वाले दिनों में ये चीज़ चेंज करने वाला है। जिस कोर्स में शॉर्टेज होगी, जिस को लेबर की, तो उसके हिसाब से ही वर्क परमिट दिया जाएगा। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो LMI के ऊपर कनाडा में आते थे, उनके ऊपर भी कैप लगने वाला है आने वाले दिनों में। जिस सेक्टर में डिमांड होगी उस सेक्टर में ही कनाडा बाहर से बंदे बुला सकेगा, एम्प्लॉयर बाहर से बंदे बुला सकेगा। उन्होंने कहा कि जो लोकल लोग हैं उनको जो है प्रायोरिटी दी जाए। इसके बाद एक बड़ी अपडेट है जी वर्क परमिट को लेकर, कि वर्क परमिट बंद हो गया। वर्क परमिट बंद नहीं हुआ है, कनाडा ने अनाउंसमेंट किया, जितने भी विजिटर्स हैं या टूरिस्ट वीजा वाले यहाँ के आके बॉर्डर के ऊपर जाकर अपना जो वीज़ा है उसको स्विच करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आए हो तो आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट कराते हो, उसको फ्लैग पोलिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हो तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसमें 1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं, 3 मंथ भी लग सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि दूसरे एप्लीकेंट्स के ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है और दूसरा जो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं उनका जो लोकल काम है उसके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। इसको देखते हुए उन्होंने बंद कर दिया है, आप बॉर्डर पे जाके परमिट नहीं ले सकते, आपको रेगुलर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा कैच भी है। कैच क्या है, बहुत सारे जब वेस्टर्न कनाडा में आते हैं जब टूरिस्ट आते हैं तो वो LMI वगैरह अरेंज करके बॉर्डर पे जाके एक दिन में वर्क परमिट ले लेते थे। अब कनाडा को भी पता है कि आने वाले चीज़ों में दिनों में इलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज खेलनी है, क्योंकि इलेक्शन में हर एक को साफ बन के प्रेजेंट होना होता है। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब तक आपका जो टाइम है वो 6 मंथ का वो कंप्लीट हो सकता है रिजल्ट आने में, तो आपको कंट्री लीव करनी पड़ सकती है, या चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहे हैं ताकि लोकल सिटीजन्स को ये खुश कर सके। वर्क परमिट बंद नहीं हुआ है,
जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कि स्टडी वीजा आप नहीं ले सकते विजिटर से, वीजा दोनों मिल रहे हैं बट प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, बॉर्डर के ऊपर जाके आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहली है कि आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो बी प्रिपेयर रहे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आपके एम्प्लॉयर की भी होगी, आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं, मेन पर्पस उनका एम्प्लॉयर का है, बट दे कैन आस्क यू फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। दूसरा, कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने यह चीज कही है कि आने वाले दिनों में जो लोकल लोग हैं या यहाँ पे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो वर्कर है, उनको पहल के आधार के ऊपर कंसिडर किया जाए फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी या लेबर की शॉर्टेज की जो बात है उसको कंप्लीट करने के लिए। तीसरा, जो वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो आने वाले दिनों में कम हो सकती है बट इतनी ज़्यादा नहीं, इस चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में कनाडा डिक्लेयर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको शेयर जरूर करना, किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम।